दरभंगा से टिकट कटने पर कीर्ति आजाद के पास क्या विकल्प होगा? तो क्या दिल्ली से आगामी लोकसभा चुनाव लड़ेंगे कीर्ति आजाद? बीजेपी से मतभेद के बाद बिहार के दरभंगा से सांसद कीर्ति आजाद ने इसी साल की शुरुआत में कांग्रेस का दामन थामा था। बताया जा रहा है कि कीर्ति आजाद ने कांग्रेस में शामिल होने से पहले दरभंगा सीट से टिकट देने की शर्त रखी थी, लेकिन आरजेडी ये सीट छोड़ने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है। खबर है कि अगर ये सीट कांग्रेस के खाते में नहीं गई, तो फिर कीर्ति आजाद दिल्ली का रुख कर सकते हैं। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक अगर दरभंगा सीट आरजेडी के हिस्से में जाती है, तो फिर कीर्ति आजाद को उत्तर पूर्वी दिल्ली सीट से टिकट दिया जा सकता है। दिल्ली की इस सीट पर पूर्वांचली वोटरों की संख्या काफी अधिक है। कीर्ति आजाद की बाहरी और मिथिलांचली पृष्ठभूमि रही है। इतना ही नहीं, वो दिल्ली की गोल मार्केट जो अब नई दिल्ली सीट है, वहाँ से विधायक भी रह चुके हैं। इसके अलावा उनकी पत्नी पूनम आजाद भी दिल्ली की राजनीति में सक्रिय रही हैं। ऐसे में कांग्रेस इस सीट से उन पर दांव खेल सकती है। हालांकि इतना कुछ होने के बावजूद नॉर्थ ईस्ट दिल्ली सीट पर कीर्ति आजाद की राहें आसान नहीं रहने वाली। ऐसा इसलिए क्योंकि इस सीट से फिलहाल दिल्ली बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष और भोजपुरी गायक अभिनेता मनोज तिवारी सांसद है। पूर्वांचल का बड़ा चेहरा होने के चलते बीजेपी एक बार फिर से उन पर दांव खेल सकती है। वहीं आम आदमी पार्टी ने नॉर्थ ईस्ट दिल्ली से दिलीप पांडे को उम्मीदवार बनाया है। दिलीप भी पूर्वी यूपी से ताल्लुक रखते हैं। इतना ही नहीं, दिल्ली में आप और कांग्रेस के बीच गठबंधन को लेकर चर्चाओं का बाजार गर्म है। सूत्रों की माने तो अभी भी दोनों दलों के बीच गठबंधन की उम्मीदें कायम है। ऐसे में गठबंधन होने पर ही साफ होगा कि इस सीट से किसका उम्मीदवार मैदान में होगा। आपको बता दें कि पूर्व क्रिकेटर कीर्ति आजाद बिहार के पूर्व सीएम भगवत झा आजाद के बेटे हैं। कीर्ति आजाद दरभंगा से बीजेपी के टिकट पर 3 बार लोकसभा चुनाव जीत चुके हैं। पिछले महीने कांग्रेस में शामिल होते वक्त कीर्ति ने कहा था कि वो दरभंगा सीट से ही चुनाव लड़ेंगे। पार्टी में शामिल होने के बाद वो दरभंगा पहुंचकर चुनावी तैयारियों में जुट गए, लेकिन आरजेडी की जिद के चलते उन्हें निराशा हाथ लगती दिखाई दे रही है। ऐसे में देखने वाली बात होगी कि कीर्ति आजाद को दिल्ली से चुनाव लड़ने का मौका मिलता है या नहीं। इंडिया न्यूज़ पैनल की रिपोर्ट।